नमस्कार, मैं ओम सैनी। नापाक पड़ोसी पाकिस्तान ने एक बार फिर देश को चुनौती दी है। रविवार को जम्मू कश्मीर के उरी में सेना मुख्यालय पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें देश के 18 जवान शहीद हो गए और 24 जवान अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। एक बार फिर सुरक्षा में कुछ गंभीर चूक नजर आई है। मोदी सरकार के वर्तमान रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। जहां कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं देश की जनता में शहीदों की शहादत पर उबाल देखा गया। आज देश पूछ रहा है, आखिर पाक को जवाब कब कब तक। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे हैं और क्या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट देनी चाहिए। बात अब की बार मोदी सरकार के बाद अब की बार आर या पार की भी हुए। हर पहलू को समझेंगे आज की शाम खास मेहमानों के साथ बिग फाइट लाइव में। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मदन राठौड़ हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक करोड़ी सिंह जी और विदेश नीति के जानकार करमवीर सिंह जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। बिग फाइट लाइन में आज का सवाल है, क्या भारत को म्यांमार की तर्ज पर पाक के आतंकी कैंपों पर सीधे हमले करने चाहिए। इस पर आप हमें अपनी राय दें और दे सकते हैं। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। मैं आज चर्चा करना चाहता हूं हमारे जो खास मेहमान बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं करमवीर सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, हमारा जवाब क्या होना चाहिए आतंकी देश, जिसको हम आतंकी देश कहते हैं पाकिस्तान, उसके साथ में हमें कैसे पेश आना चाहिए। जी सैनी जी, पूरे देश में जो घटना हुई है, उरी में जो आतंकवादी हमला हुआ है, सेना पर हमला हुआ है, राष्ट्र के गौरव के ऊपर हमला हुआ है। सेना हमारे लिए सबसे सम्मानीय है, राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है। पूरे देश में और विपक्ष में हर कोई एक ही बात पूछ रहा है कि कब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या जो म्यांमार में ऑपरेशन हुआ, क्या ऐसा ऑपरेशन यहाँ किया जा सकता है? क्या लादेन का जो ऑपरेशन अमेरिका ने किया, वैसा किया जा सकता है? लेकिन मुझे लगता है इस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ संभव नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी भी है। अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो अभी जो प्रोक्सी वार चल रहा है वो एक फुल फ्लेज्ड वार में तब्दील हो जाएगा और भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान को जवाब देना भी जरूरी है इसमें, क्योंकि जिस तरह से बार बार अटैक किए जा रहे हैं पंपोर के ऊपर, पठानकोट पर, उद्धमपुर के ऊपर। करमवीर जी, आपसे बाद में चर्चा करूंगा। जो हमारे बाकी मेहमान हैं अर्चना जी, कांग्रेस पार्टी जो प्रतिपक्ष की सबसे प्रभावी और बड़ी पार्टी और इससे निपटती रही है पहले, अभी आप क्या समझते हैं कि प्रकरण में क्या जवाब होना चाहिए भारत सरकार का, भारत का? सनी साहब, ये मुद्दा जैसे हमने चर्चा शुरू की और करमवीर जी जिस तरह से बोल रहे थे, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो म्यांमार की तरह सर्जिकल ऑपरेशन चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की सरकार तब भारत की सरकार को सहयोग दे रही थी आतंकवादियों को काबू करने में। रही पाकिस्तान के साथ संबंधों की बात, तो ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन के साथ ही जो कड़वाहट उसके साथ चली और आगे जाकर के जैसी परिस्थितियां बनी, तो मुझे लगता है कि वही भारतीय जनता पार्टी, मैं यहाँ राजनीतिकरण नहीं करना चाहती इस मुद्दे का, क्योंकि हमला हमारी अस्मिता पर हुआ है, हमारे देश पर हुआ है, और जब देश रहेगा तभी राजनीतिक पार्टियाँ रहेंगी और तभी लोकतंत्र अक्षुण रहेगा। लेकिन समस्या है कि आज जनता जरूर ये जानना चाहती है कि वो कौन सा तरीका या वो कौन सी भाषा होगी जिसमें कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव पूर्व कहा था। अब जवाबदेही भी उसी के साथ होगी जो शासन में होगा। तो इसे राजनीतिक बुड़ना देकर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो हमला हुआ हमारे एयरबेस पे जब पठानकोट में हुआ, वो भी हमारी अस्मिता पर, क्योंकि हमारे आर्मी के कैंप पर अब दोबारा किया गया और ज़्यादा अंतराल नहीं है, जून के बाद अब दोबारा ही हमला होता है। तो यहाँ बड़ी चूक जो मैं समझती हूँ दो पैरामीटर्स पर हुई, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में और एक इंटरनल सिक्योरिटी के मामले। हालांकि इंटेलिजेंस ने बहुत समय से कहा कि ये जो सेक्टर है उरी सेक्टर, ये बहुत संवेदनशील है। और हमारा जवाब क्या होना चाहिए अर्चना जी?
देखिए सैनी साहब, जवाब तो वैसा ही देना पड़ेगा जैसी कार्रवाई हुई। बिल्कुल ठीक। अब जवाब देने के लिए आप कैसी इच्छा शक्ति को व्यक्त करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये जवाब तो उसी प्रकार से जो आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको ध्यान होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, और वो बात इस तरह से कही थी जैसे कि उनके शासन में आने के बाद या तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा या पाकिस्तान दुम दबाता हुआ भारत की जो बात है उसके अनुगमन करने के लिए तैयार होगा। उनके शब्द थे कि जब पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ाता है तो कांग्रेस का जो शासन यूपीए गवर्नमेंट को टारगेट करके उन्होंने कहा था, ओबामा ओबामा करते अमेरिका की तरफ झुक जाते हैं। या फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जैसा मैंने गुजरात में इसको कंटेन किया वैसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर करूं। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। मोदी जी ने जो कहा वो तो आप ठीक पूरा देश दोहरा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं मदन सिंह जी, मदन जी से पूछ लेना चाहता हूँ। मदन जी, आप क्या कहेंगे इस प्रकरण के बारे में और क्या जवाब होना चाहिए हमारा, आप क्योंकि आपने बहुत कुछ कहा है, सर का जवाब सर काट के लाने से देने आज की बात भी कही। दांत के बदले में पूरा जबड़ा चाहिए। इसलिए आप मदन जी से ही जरा पूछने तो ठीक रहेगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री बहुत गंभीर है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया है कि आतंकवाद पैदा करने वाला ये देश है, ये उन्होंने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है। और अब भी जो इसने हमला किया है वहाँ पर उरी में, और उसके बारे में भी हमारी सरकार बहुत गंभीरता से चिंतन करके उचित निर्णय लेगी, सही समय आने पर जो हमला जिस प्रकार से जवाब दिया जाना चाहिए निश्चित रूप से देंगे। आज मीटिंग्स भी हुई है, मीटिंग्स होने के बाद में अभी राष्ट्रपति से मिलने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उनके साथ में भी चर्चा पूरी की है आज, और चर्चा करने के बाद में ये इसका खुलासा तो अभी नहीं किया जा सकता कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान कभी भी हिमाकत नहीं कर पाएगा कि हमारे देश पर इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां कर सके। मदन जी साहब, एक बात आपको बीच में टोकना चाहता हूं, ये मुंह तोड़ जवाब बड़ा खतरनाक है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। सचमुच में कुछ जवाब होना चाहिए, वो जवाब क्या होगा इसका थोड़ा सा अगर संकेत आप दे सकें, अगर आपको एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन दिल्ली में है वो कैसे बिहेव करेगा तो जरा बताइए। देखिए, पाकिस्तान को एक तो जवाब दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो वातावरण तैयार हुआ है पाकिस्तान के विरोध में, पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनी है, इसी प्रकार से सिंध के अंदर ये स्थिति बन रही है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर भी इसी प्रकार की स्थिति बन रही है, खुद पाकिस्तान इस समय संकट के और उसमें है, और वो इस प्रकार की घटनाएं जो कर रहा है वो एक प्रकार से जैसे कोई हारा हुआ जुआरी जिस प्रकार से करता है वैसा कर रहा है। मैं तो ये सोचता हूं कि जवाब तो यह होगा संभवतया, मैं ये नहीं कह सकता कि क्या निर्णय हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से और पाकिस्तान आतंक पैदा करने के जो उनके केंद्र है उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। मैं विषय के जो विशेषज्ञ हैं जो सब कॉन्टिनेंट के बारे में ठीक से जानते हैं प्रोफेसर करोड़ी सिंह, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर भारत सरकार का जवाब या भारत का जवाब क्या होना चाहिए। देखिए ओम जी, उरी में जो घटना हुई उससे भारत का जनमानस उद्वेलित है, दिल्ली में बैठकों का दौर चला है, लेकिन केवल एक स्तर पे कार्रवाई नहीं, ये साइमल्टेनियसली चार स्तर पे तात्कालिक कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। एक भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेके, और जिसमें एक ऑप्शन जिसपे मेरे ख्याल से बातचीत हो जो सोचा जा रहा है वो सर्जिकल ऑपरेशन, लेकिन सर्जिकल ऑपरेशन होने के साथ साथ भारत और पाकिस्तान में और ज़्यादा कटुता आएगी और ज़्यादा होस्टिलिटी बढ़ेगी, और सर्जिकल ऑपरेशन कहाँ तक जाएगा और उसके अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी शायद अपनी पॉलिसी प्लानर सोच रहे होंगे। और मेरे ख्याल से इन बैठकों के दौर में 2011 में जो रिपोर्ट सबमिट की थी इंटरलोकेटर्स ने उस पर निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी, और उसमें बहुत से ऑप्शंस भी बताए गए हैं इस स्थिति से डील करने के लिए। तो एक तो भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेके हमें क्या सोचना चाहिए, एक ऑप्शन है सर्जिकल ऑपरेशन, फुल स्केल वार पॉसिबल नहीं है, सर्जिकल ऑपरेशन किस सीमा तक हो सकता है, और फिर हम दूसरा एक जो ऑप्शन हो सकता है वो हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेज के साथ हम भी पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, निश्चित रूप से कर भी रहे होंगे, हमें नहीं मालूम है इसके बारे में, बहुत सी चीज़ें मीडिया में नहीं आती हैं। दूसरे स्तर पे है
कश्मीर के विद इन जो सिचुएशन है उसको हम किस तरह से हैंडल करें। जैसे तारिक साहब ने जो वहाँ के एमपी हैं, पीडीपी के बहुत बड़े नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने दूसरे जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि आप भी त्यागपत्र दीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें उनको कन्विंस करें कि आप इस सीमा तक मत जाइए, इससे माहौल बिगड़ेगा। तो उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, इसके बारे में ज़्यादा हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो दूसरा कश्मीर के मामले में होना चाहिए और कश्मीर के मामले में जनप्रतिनिधियों के बातचीत के साथ साथ जनप्रतिनिधि बातचीत करें, केवल सरकार के स्तर पे नहीं कि आप इस सीमा तक मत जाइए। करोड़ी सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अर्चना जी, करोड़ी सिंह जी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जानी चाहिए और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, कश्मीर कैसे भी बटा हुआ नजर आ रहा हो, कैसे भी बोलता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों को माइनस करके अलग हट करके कोई बात होने की संभावना नजर नहीं आती। आप क्या कहेंगी? देखिए जैनी साहब, मेरा ये मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने कमोबेश शुरुआत में तो वही फॉरेन पॉलिसी अपनाई जो हम लोगों ने अपना रखी थी, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा डिफ्लेक्शन की गुंजाइश नहीं होती। यदि आपका डिफ्लेक्शन होता है तो नुकसानदेह देश के लिए होता है। लेकिन समस्या ये हुई कि शासन में आने के चंद दिनों बाद ही जिस तरह की प्रवृत्ति को इन्होंने अपना, यूँ कह सकते हैं सत्ता में सत्तासीन होने के दौरान ही जैसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के प्रयास या दिखाने के प्रयास किए गए, उससे कोई खास फायदा भारत को नहीं मिला। और एक बार तो वो बिना बताए ही औचक रूप से वहाँ पहुँचे और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध दिखाने के लिए उनकी नातिन की शादी में भी पहुँच गए। मैं कहती हूँ फॉरेन पॉलिसी का ये एस्पेक्ट कभी नहीं हो सकता, इस तरह के अचंभित करने वाले कारनामे किसी भी रूप में किसी भी देश को। ये तो प्रधानमंत्री की बात हुई, मैं जनप्रतिनिधियों के बारे नहीं, में मैं उसी पे आ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि इंटरलोक्यूटर लोग जो वार्ताकार थे या जिनके लिए आप कह रहे हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज वहाँ के शासन की सहभागी पार्टी है और जो पार्टी वहाँ पर है उसको तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि वहाँ का वातावरण जो है सौहार्दपूर्ण रहे, वहाँ की स्थितियाँ काबू में रहे। लेकिन स्थितियाँ कैसे बनी, 81 दिन से तो कर्फ्यू है और कई लोग मारे जा चुके हैं, संख्या मेरे ख्याल से 70 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी कि गठबंधन ठीक से काम नहीं कर रहा है। गठबंधन की बात नहीं, समस्या ये है कि हम अपने एजेंडा के लिए समझौते कर रहे हैं। अब देश के समझौते के ऊपर जब सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर इससे रहता है पाकिस्तान के मुद्दों में, क्योंकि वो वहां से अपने कोर इश्यूज से अपना डाइवर्ट करना चाहता है हमेशा। और जैसे आप कह रहे हैं, आप ठीक है, आप एक्सपर्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब ऐसी स्थितियां हो जाए कि आपके आर्मी बेस को टारगेट कर दिया जाए, आपके एयरफोर्स बेस को टारगेट कर दिया जाए और इस तरह से टारगेट किया जाए कि वो पूरा सुनियोजित तरीके से हो। आपके जो आर्मी बेस को अभी टारगेट किया उसमें सबसे पहली चीज़ देखने को ये मिल रही है कि जिस समय वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे उस बेस में, उस समय संतरियों की ड्यूटी बदलने का टाइम था। उसके पश्चात एक जो हमारी टुकड़ी थी सेना की वो रिलीव होने वाली थी और दूसरी को वहां रिप्लेस करेंगे। नहीं, लेकिन मेरी बात समझिए आप, मैं सैनी साहब इतनी विस्तृत रूप से इसलिए कह रही हूँ कि अब बात इसकी नहीं है कि हम किससे वार्ता करें, कौन स्टेक होल्डर है आज वार्ता का। आज जवाब ये चाहिए कि जिसने ये बर्बर कार्रवाई की, जिसके शह पर ये कार्रवाई हुई, उसको कैसा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब की परिभाषा क्या होगी। ये कह देना हम चिंतन मनन कर रहे हैं, आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई है, प्रेसिडेंट से मिलने गए, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कल से ये कह रहा है और सरताजीज ने यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी मौजूदगी में कहा है कि हमारे पास परमाणु बम है और वो हमें धमकाने का आज भी प्रयास करें, यानी चोर मचाए शोर वाली स्थिति है। अर्चना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप और इस पर चर्चा हम निश्चित रूप से जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद में। और हम जानना चाहेंगे कि ये जो चोर मचाए शोर वाली हरकत वास्तव में असरदार है या सिर्फ गीदड़ भभकी है। दुश्मन के हिलते हैं।